नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अक्सर अपने तीखे बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती है। वहीं अब हाल ही में उन्होंने अजान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने सुबह होने वाली अजान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सुबह की आवाजों से न सिर्फ बीमार लोगों को परेशानी होती है बल्कि साधना भी भंग होती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ये बात कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सुबह 5:00 पर बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं, जिससे सभी की नींद खराब होती है। इसके साथ ही जो लोग बीमार हैं उन्हें भी काफी तकलीफ होती है। इसके अलावा साधु संन्यासी भी अपनी साधना उसी वक्त पर शुरू करते हैं जो इन आवाजों से भंग हो जाती है। साध्वी ने आगे कहा कि सुबह का वक्त सभी के पूजा अर्चना का होता है, लेकिन तब ध्यान लगाने की जगह हमें उन लाउड स्पीकरों की आवाज सुननी पड़ती है, और अगर हम आवाज तेज करके कोई भजन बजाते हैं तो यही लोग कहते हैं कि हमारे इस्लाम में ये सब जायज नहीं माना जाता। फिर भी हम हिंदू उनकी इस बात का सम्मान करते हैं और सर्वधर्म संभाव रखते हैं, लेकिन क्या कोई और धर्म ऐसा कर रहा है जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं? अब देखना यह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस विवादित बयान से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। धन्यवाद।